मन शीतल को हो
कहने लगे, स्वागतम करते हैं ए ऋषि लोग, हमारे गरीबों कुटिए में कैसे आए हो। कुसा का आसन दिया, पहला साधु लोग ऋषि लोग कुसा का आसन में बैठते थे, अब तो कलयुग आ गया, अब तो एसी वाली गड्डी में बैठते हैं। देखो मेरी बहन, 30 साल के मुंडे कुआरे फिरते, लाड़ी नहीं मिलती भाई, टिपड़े नहीं मिलते, क्यों नहीं मिले, कारण क्या है? जब लड़की नहीं बचाओगे लाड़ी कितने ले आओगे? कुड़ी को पढ़ाओ लिखाओ, बड़े अच्छे कोर्स कराओ, पर उन्हें तो आप पूरी मिलेंगे। तो कहते हैं राजा के पास बधाई लेने के लिए पंडित जी कहते हैं, राजा जी दे दो बधाई, शाबाश, राजा जी दे दो बधाई, गजानंद गणपति गौरे पुत्रे गणेश, पांच देव रक्षा करे श्री ब्रह्मा विष्णु महेश, जाग जाग जागे श्री सते होठ जाग, मैं कपट अधीन के रखो भरी सभा पदमान जी। हरि ओम प्रथम गुरु जी नु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिमरा शारदा, मेरे कार्य करो हमेश, जय जय श्री गुरु महाराज की। क्या बात जी, आपने खाना नहीं खाया किसी ने? जितनी दूर तक भगवान शिव के जयकार की बात जाएगी उतनी ही दूर तक धरती पवित्र होती जाएगी, और इस शरीर में आने वाले पापों का वह कष्ट बाहरण होता है। एक बार सभी मिलकर के भगवान शिव के जयकारे की आवाज लगाएं। सारे तन में भी राम है, मेरे मन में भी राम है, रोम रोम में शर्माया तेरा नाम
शादी जरूरत नहीं है। अब गुरुदेव गुरमाई करने के लिए पंडित जी केड़ी केड़ी थां जाते हैं, जरा ध्यान से सुना दी। भोले बाबा मेहर करेंगे, भोले बाबा मेहर करेंगे, पंडित जी का नाक देखते ही जमीन पे पड़ गए। पंडित जी
और गाली बकने लगी गोरा नु, गोरा तू क्यों नहीं होंदे मर गई भैन मेरा, ये जंगल में डेरा पा गया। हाथ जोड़कर पंडित जमी पे पड़ गए और भोले बाबा के नाग कैलाश पर्वत पहुंच गई। सातवीं धार पे गए ब्राह्मण, भोले बाबा देख लेते हैं कि मृत लोक से ब्रह्मा जी आ रहे हैं, अपने नंदीगण को बुलाते हैं, कहते हैं अन्न मांगे अन्न देना, धन मांगे धन देना, पुत्र मांगे पुत्र देना, इसको रास्ते में विदा कर देना। शंकर भगवान ने ताड़ी लगा ली और ब्रह्मा जी ने सेवा ला ली। भगवान के द्वारे पर तपस्या कौन कर सकता है जो शंकर भगवान का कट्टर भगत होता है। पर्वत में से गुसा पाड़ ली, गुसा पाड़ पिपल में डाली, पिपल में डाल लेते हैं। एक चरण तपस्या की, 12 साल की तपस्या की, 12 साल की तपस्या करने के बाद मिट्टी में लगी। पंडित जी की मृत्यु हो गई द्वारे पर भगवान शंकर के। जब मिट्टी मिली तो भगवान शंकर का आसन डोला, वाज आई ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर ने नेत्र खोले और गुफा से बाहर आए, देखा अपने नंदीगण को, पूछा बेटा ये किसने कूड़ा डाला है मेरी कुटिया के आगे। कूड़ा नहीं है, मिट्टी नहीं है, हत्या होगी तेरे द्वारे। हत्या का नाम सुना शिवजी ने, शिवजी ने ताड़ी खोल दही, शिवजी ने ताड़ी खोली, हड्डियों का पिंजरा जोड़ा, जल का छिटा दिया, ब्राह्मण को जीवित किया। बोल शंकर भगवान की, खड़े हो पंडित जी, इधर आ बेटा, दौड़ गया, शाबाश शिवजी बनाइए फटाफट, उधर आओ पौड़ी पे। नुके मेरे भोलेनाथ मेनू चरणा च रख ले,
बैठ के राम से प्रसाद लेना बहन जी, थोड़े थोड़े उठ के किसी ने भी एक मिनट महाराज ओम नमः शिवाय। शंकर जी जय श्री शंकर। ये जड़ा प्रोग्राम आज ए सारी संगत दे सहयोग नाल और सारे सेवादारां दे सहयोग नाल साडे ओहदेदारां दे सहयोग नाल ए संपूर्ण होया। शिव जी महाराज दी उत्ते कृपा भी साडे ते रही सारिआं दी। और ये पंजवा प्रोग्राम है जरा शिवजी महाराज जी का विवाह रचया गया और ये संपूर्ण होया। ये सारियां नूं इस गल दियां लख लख बधाइयां और रेल कोच फैक्ट्री दे खास करके सारे ही सेवादार हन इत्थे 99% रेल कोच फैक्ट्री दे सेवादारां दी बहुत मेहनत है और इन्हां दा असीं सारे ही रल मिल के धन्नवाद करते हैं। और उत्थे शिवा जी का भी असीं बहुत शुक्रगुजार हाँ क्योंकि उन्होंने अपने आशीर्वाद नाल सारा प्रोग्राम सफल किया। होर बाकी अहुदेदारां दा और सेवादारां दा ते कोई देन दिता ही नहीं जा सकता। जो कि पंजवें आ प्रोग्राम इन्होंने संपूर्ण किया ते आस है कि अगे तो ये जी संस्था हैगी मणि महेश यात्रा संघ रजिस्टर्ड RCF दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करूगी। तो यही यही शिवजी महाराज तो आस करते हैं कि साढ़े सारिया ते कृपा बनाई रखन। जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय जय कर बोल सचे दरबार की जय।